आदाब सर। अच्छा, आज हमारे प्रोग्राम में एक और ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो एक जानब सूफी और दरवेश का लिबादा उड़े अख़ुवत और मोहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं, और दूसरी जानब हिकमत और दानिशमंदी को बड़े ही खूबसूरत अंदाज के ज़रिए अपनी तहरीरों में, अपनी किताबों में लोगों तक पहुंचा रहे। मेरी मुराद है मलामती सूफी बाबा याहिया खान। मैं चाहूँगी हम सब ज़रा खड़े हो जाएं और खड़े होके हम उनको हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। अदाबर्ज़ है और रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सर भी ढाकना चाहूँगी कि आपकी दुआ ले सकूँ। अबा जी, बाबा जी, बैठना है जरा आपने, और आप भी दुआ ले लीजिए। अल्लाह सलामत है, खैर। बाबा जी चांद पे आपने आना है, यहाँ पे इधर चांद पे बैठिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपका तारुफ तो मैंने करा दिया, मगर सबसे पहले ज़रा एक सवाल है कि ये मलामती सूफी क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका जवाब देने से पेशतर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं आज यहाँ पे हाजिर होके बहुत खुश हुआ। आपका टीम वर्क देख के, आपस का आपका मिलाप देख के ये बड़ी खूबसूरती, बड़ा खुश हुआ। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि चांद के अंदर तो एक बुढ़िया होती है जो चरखा काट रही होती है, आपने चांद के अंदर एक बाबे को बिठा दिया। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर। और मैं आज बहुत खुश हुआ कि आज मेरी बेटी सनम भी यहाँ पे आई हैं, और मेरी बड़ी मुअज्जज़ बहन बेटी सूफिया बेदार भी। और मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलके, आप यहाँ पे आ गए। लेकिन ये मुझे एहसास हुआ थोड़ा सा कि मेरा यहाँ पे क्या काम हो सकता, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, हमें बूढ़ों को भी ऐसे फंक्शंस में जाना चाहिए जहाँ पे बच्चे हों, उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, उनकी बातों में शामिल होना चाहिए, उनके अच्छे अच्छे उनको मशवरे देना चाहिए उनसे बात। और आज बशीर साहब और उनके साथियों को सुन के कितना खुश, कितना बेस में गाते हैं, और क्या क्लासिकल बेस है आपकी, मैं सुनता रहता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आपकी बात का जवाब, मलामती मैं आपकी खिदमत में। ये कोई, मैं समझता हूँ कि कोई मसलक नहीं है और न ही कोई ऐसा कोई फिरका है कि जिसको आप ये कह सकें कि मलामती दरवेश कुछ इस तरह के होते हैं। हम अवैसी मलामती हैं। हज़रत अवैस करनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिके सादिक थे। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। सारी ज़िंदगी आप उनके अहद में जिए, लेकिन उनसे मुलाकात ना हो सकी उनकी। वो कहते थे कि मुझे, मैं क्या करूं, मुझे हया आती है। और मैंने ये सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक ऐसे अपने सहाबी को रोक दिया जहाज में जाने से, पूछा कि तुम्हारे घर में माँ है? कहने लगा जी हैं। कहने लगा और कोई भाई? कहने लगा जी नहीं। कहने लगे जाओ उसकी खिदमत करो, तुम्हारा यही जहाज है। क्या बात है। तो इस तरह हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत की। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे, आपके मरकज पे। तो आप एक बड़े अजीम शान मजसूब थे, सूफी थे, और मैं समझता हूँ कि हज़रत बायज़ीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, हज़रत बहलावल दाना रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बिलाल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे अपना
हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग थे जिन्हें नबी पाक से बड़ा इश्क था। उन्होंने उनकी मोहब्बत में, प्यार में अपना सुकून, अपना आराम, अपना हर चीज़ ताज दी, अपने दांत तक निकाल दिए मुँह से कि पता नहीं मेरे नबी का कौन सा दांत। तो ये अपने आप पे मलामत करना, अपनी ज़ात की नफ़ी करना जी। अपने आप को वहाँ पे रखना जहाँ पे जूते होते हैं किसी के, और खिदमत करना, कुत्ता हो, चूहा हो, बिल्ली हो, बुरा जानवर हो, कुछ को, सबको समझना कि अल्लाह की मखलूक है, और उन सब की खिदमत करना, और अपने आप को पीछे रखना, पीछे सब में सबको खिला के फिर खाना, जूठा मूठा खाना, और गलियों में कंकर, अखबारों के टुकड़े, गंद उठाना, अपने आप को ये अपनी ज़ात की नफ़ी कर देना एक मुलामत होती है। क्या बात है जी? हम कोड़े नहीं मारते अपने आप को, खाते पीते हैं, लेकिन किसी का झूठा बचा हुआ नीचे गिरा हुआ, तो मलामत से ये मुराद है कि हम अपने आप की नफ़ी कर देते हैं। दरवेश तो वैसे ही मलामती होता। बिल्कुल। ये गलियों में फिरने वाले आपने देखे होंगे, मजसूब, नंगे, लूले, कौन खुदा जाने अंदर कौन है, किस हाल में है कोई। तो बस ऐसा ही है, मैं कोई ऐसा अपने आप को ये क्लेम नहीं करता कि मैं बड़ा सूफी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन अल्लाह सुबहानहू तआला का करम है, मेरे बाबा जी अशफाक साहब, मेरे बाबा जी शहाब साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, मेरे मुर्शद इकबाल साहब, तो ये सारे लोग मलामती थे, इनके पास सब कुछ था मगर फिर भी नफी करते। मैं आपकी इसी बात के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगी, और मैं बड़े अदब के साथ, बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हमारे प्रोग्राम में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग आए हैं, तो आप अगर ब्रेक पे भेजेंगे हमारी पूरी कौम को अदाब कह के, तो बड़ी मेहरबानी होगी, और बहुत अदब से हम सब चाहेंगे आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी पूरी ऑडियंस को, देखने वालों को, सारे मुसलमानों को अदाब करके ब्रेक पर भेजें। ये काम है आपका जी। बिस्मिल्लाह, मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊंगी इधर। अच्छा जी, हुकुम कीजिए ये कैमरे पे। हाँ, आप भेजिए सबको, और बोलिए आ जाइएगा, फिर अदाब कर दीजिए। अच्छा जी, तो मेरा सबको पैगाम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक में से हैं, आले रसूल को मानने वाले में से हैं, हमें अपने मुल्क को, अपनी कौम को, और अपने अपनी रवायात को, इन सब चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए ख़ुद बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने की ज़रूरत है। जब हम खुद एक राह रास्त पर होंगे तो दूसरे भी राह रास्त पर आएंगे। बेशक जी। तो मेरा यही पैगाम है कि ये मुल्क आज जिस हालात से गुज़र रहा है, जिस नागुफ्ताब हालात से गुज़र रहा है, और जिन नाजुक मामलात में गुज़र रहे हैं, इनमें हमारा भी कसूर है। आदमियत का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, किसी को बुरा भला ना कहें, हाँ जी, और कुछ कहना भी, कोई गलत भी कर ले तो मोहब्बत और प्यार से। मेरी दुआ है कि ये मुल्क फूले फले, और इसके अंदर से ये तमाम बुराइयाँ जो हैं वो निकलें, लेकिन इनमें से हम सब की कोशिश भी जो है ना वो भी शामिल हो। इंशाल्लाह आप हमारे साथ ही हैं प्रोग्राम में, आपकी शफकत हमारे साथ रहेगी जी। एक अदाम हमें रिक्वायर्ड है आपका जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक, अल्लाह वसल्लम।